हेलो बच्चों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों आज हम आप लोगों के लिए नीट और आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन का हमने एक सीरीज बनाया हुआ है बच्चों। उस सीरीज में हमने अभी तक दो वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उसके सीक्वेंस में ये हमारा थर्ड वीडियो है। ओके बच्चों, तो इस थर्ड वीडियो में हम आपको बताएंगे हाउ कैन बी कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास हम मेटल का कैसे निकालेंगे, कोई आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाएगा, उस न्यूमेरिकल में 100% प्योर सैंपल होगा आपका डाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट। कोई मेटल का कार्बोनेट है जिसमें डाइवेलेंट है, वो जो भी मेटल है वो डाइवेलेंट है, वो मेटल कार्बोनेट है, उसका वजन जो है हम 2 ग्राम लेंगे, उसको बेइंग करेंगे 2 ग्राम की, और फिर उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे कंप्लीट, उसको गर्म करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो डिकम्पोजिशन होने के बाद में जब डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो हमें उसमें गैस प्राप्त होगी, वो गैस होगी CO2 गैस, और वो गैस मिलेगी 448 cc सेंटीमीटर क्यूब। तो 448 cc हमें क्या प्राप्त होगी CO2 गैस प्राप्त होगी STP पर। तो आपको बताना है कि इक्विवेलेंट मास जो है उस मेटल का क्या होगा। इतना हमें दिया गया है कि मेटल का बैलेंसी जो है 2 है, डाइवेलेंट मेटल है, उसका कार्बोनेट है 2 ग्राम लिया गया, प्योर सैंपल है और उसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, 2 ग्राम प्योर सैंपल है, उसको गर्म करेंगे CO2 गैस मिलेगी 448 cc 448 सेंटीमीटर क्यूब हमें क्या CO2 गैस मिलेगी STP पर। अब आपको बताना है इक्विवेलेंट मास जो है, इक्विवेलेंट वेट जो है मेटल का कितना होगा। बच्चों हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, ए 100% प्योर सैंपल ऑफ ए डाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट बेइंग 2 ग्राम ऑन कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन रिलीजेस 448 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 एट STP। इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल इज, इस क्वेश्चन में ये दिया गया, एक हमारा सैंपल दिया गया डाइवेलेंट मेटल कार्बोनेट, वो 2 ग्राम है और वो हमें कितने ml CO2 गैस दे रहा है, 448 ml या सेंटीमीटर क्यूब STP पर दे रहा है। इक्विवेलेंट मास निकालना मेटल का बच्चों, तो सबसे पहले आपको बता दें ये मेटल एक ऐसा मेटल है जिसकी बैलेंसी 2 है। तो आपको पता है मेटल की बैलेंसी 2 है और कार्बोनेट पे चार्ज 2 होता है, तो फार्मूला क्या बनेगा सबको पता है, MCO3। तो जब हम पता है फार्मूला मेटल कार्बोनेट का MCO3 होता है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस बनेगी। तो जब CO2 गैस बनेगी तो यहां पर ये 1 मोल है, तो 1 मोल से 1 मोल CO2 गैस बनेगी बच्चों, ठीक है। अब 1 मोल में मास कितना है वो मास मुझे नहीं पता है, मान लीजिए इसका मास जो है W ग्राम है, तो W ग्राम को यदि हम अगर इसका 1 मोल में जो भी मास होगा 1 मोल में वो इसका मोलर मास होगा। अगर 1 मोल मास को गर्म कर रहे हैं तो 1 ही मोल CO2 गैस बन रही है, देखो रिएक्शन बैलेंस है। 1 मोल में कितने ग्राम CO2 गैस होती है, 44 ग्राम CO2 गैस होती है। अब 1 मोल गैस जो भी बनी है उसका STP पर वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। ML में बोलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22400 ml होता है बच्चों, या ml की जगह पे सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं, 1 ml बराबर 1 cm³। तो अगर कितने ग्राम को जलाया जाए, यानी 1 मोल में जो मास होगा अगर उतने ग्राम को जलाया जाएगा तो 1 मोल CO2 गैस बनेगी, यानी इतना वॉल्यूम आएगा STP पर। लेकिन यहां पर यही चीज तो पूछी गई है, लेकिन यहां एक चीज दी गई है, गिविन है जब 2 ग्राम में 2 ग्राम मेटल कार्बोनेट को गर्म करेंगे 2 ग्राम MCO3 ऑन हीटिंग कितना दे रहा है, 448 सेंटीमीटर क्यूब CO2 गैस दे रहा है एट STP पर, यानी 448 ml CO2 गैस STP पर दे रहा है 2 ग्राम। तो ये चीज तो आपको दी गई है, अब हमें निकालना क्या है कि 22400 ml या CC, इतने CC गैस CO2 गैस जो प्राप्त होगी कितने ग्राम से प्राप्त होगी। तो अगर आप ध्यान से देखिए इस सवाल को थोड़ा सा हमें अपोजिट करना पड़ेगा, यानी 2 ग्राम से प्राप्त हो रही है इतने CC CO2 गैस, तो इसको जस्ट अपोजिट लिखेंगे। देखो ऐसे
448 सेंटीमीटर क्यूब CO2 गैस इज फॉर्म्ड माने प्राप्त होती है एट STP फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ 2 ग्राम मेटल कार्बोनेट। जब 2 ग्राम मेटल कार्बोनेट को गर्म किया गया तो हमें 448 सीसी 448 सीसी CO2 गैस प्राप्त हुई है। इसलिए अब आपको निकालना किस पर है, 1 मोल CO2 गैस में कितना वॉल्यूम होता है 22,400 सीसी में। इसमें जितना भी आएगा वो मोलर मास होगा मेटल कार्बोनेट का। तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब CO2 गैस इज फॉर्म्ड एट STP फ्रॉम, तो 2 × 22,400 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, अपॉन हो जाएगा 448। ओके, इतने ग्राम मुझको मेटल कार्बोनेट प्राप्त होगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद में कितना आंसर आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। वैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी 2 × 2, 2 × 2 = 4, ये आ गया आपका, यहां से ये कट गया, यानी 100 आ गया, यानी 100 ग्राम आ गया मोलर मास, ये मेटल कार्बोनेट का मास आ गया 100, क्योंकि 1 मोल में जो भी मास है वो निकल आया। देखिए 448 सीसी प्राप्त हो रही 2 ग्राम से, तो 2000 ये 22,400 जानते हो ये आपका वॉल्यूम होता है 1 मोल गैस का। तो इतने 1 मोल CO2 गैस या इतने वॉल्यूम CO2 गैस प्राप्त होगी कितने ग्राम से, वो निकल के आ गया गया आपका 100 ग्राम से। तो ये मोलर मास निकल के आ गया बच्चों, मोलर मास ऑफ मेटल कार्बोनेट इज इक्वल टू 100 ग्राम। अब मेटल का एटॉमिक मास निकालो, माना मेटल का एटॉमिक मास एम है, तो कार्बन 12 12 हो जाएगा 12, 16 × 3 = 48 बराबर 100। इसको यहां से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 और 12 इसमें से निकालो, 100 माइनस ये कितना आ जाएगा 60, यानी 40, यानी हमारे पास जो मेटल है उसका एटॉमिक मास निकल के आ गया 40। जब एटॉमिक मास निकल के आ गया 40, आप निकाल सकते हो ना इसमें से 16 × 3 = 48, 48 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 घटा देंगे 100 में से, टोटल एटॉमिक टोटल मोलर मास 100 है, तो एटॉमिक मास आ गया इसका मेटल का 40, तो मेटल का एटॉमिक मास 40 आ गया। अब आपसे पूछा क्या गया है, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, तो मोलर मास या एटॉमिक मास अपॉन 2, क्योंकि यह मेटल डाइवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट निकालते समय एटॉमिक मास में डिवाइड करना पड़ता है बैलेंसिंग का, और ये डाइवेलेंट है। तो इस तरीके से आंसर आ गया, इक्विवेलेंट मास आ गया 20, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 20 नहीं आया समझ में, इक्विवेलेंट मास जो है हमारा निकल के आया है मोल इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास बराबर एटॉमिक मास ऑफ मेटल अपॉन 2, बैलेंसिंग है ना यहाँ पर, डाइवेलेंट है ये दिया गया था, बस हमें एटॉमिक मास चाहिए था, वो एटॉमिक मास हमने निकाल लिया। जब हमने मेटल कार्बोनेट का मोलर मास निकाल लिया तो एम का एटॉमिक मास निकल आया, उसमें हमने 2 से डिवाइड करके इक्विवेलेंट वेट निकाल लिया, तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों आज का हमारा टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।